बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। स्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का अनोखा अलाडला जो है नवाज शरीफ, वो बाइज्जत बरी हो गया है। अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर और उनको बरी कर दिया गया। तमाम केसेस में बहुत जल्दी से नवाज शरीफ को बरी किया जा रहा है। लगता है बहुत ज्यादा जल्दी है नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की। अगर नवाज शरीफ ने ही वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है? अगर नवाज शरीफ ने ही हुकूमत करनी है तो इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है? अगर नवाज शरीफ ने ही आके कुर्सी पे बैठना है तो लोगों को जाहिल और पागल बनाने की जरूरत क्या है? आप नवाज शरीफ को लाएं, सर आंखों पर बिठाएं, अपने बिठाएं, अवाम नहीं बिठा सकती। अगर अवाम ये फैसला मंजूर करे तो फिर कहिएगा, इस तरह धोखा मत दें। तारीख गवाह है कि पटवारियों को कभी भी मिठाई खाना नसीब नहीं होती, और जब भी मिठाई खाते हैं इनको हजम नहीं होती। एक बार फिर से मिठाइयां बट रही हैं, एक बार फिर से खुशियां मनाई जा रही हैं। नवाज शरीफ जो है वो सुर्ख रूह हो गए हैं, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की लाडली बेटी जो कि अभी सिर्फ 18 साल की है, उनका कहना है कि नवाज शरीफ को पिछले 7 साल से अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगर नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, इसका ये मतलब है कि आपने पाकिस्तान के अवाम का जीना हराम करके यहीं पर हुकूमत करनी है।